यहाँ से। तो यहाँ पे मैं और सभी का तैयार है। समझ तो आप गए होंगे कि हम दोनों की जो शाही सवारी है वो ज़रा कहीं जा रही है। तो वो कहाँ जा रही है, हम तो ज़रा नीचे जा रहे हैं ग्रोसरी वगैरह लेने। तो तैयार श्यार हो गए हैं हम दोनों बहनें। कुछ बोलना चाहोगी? कुछ बोल दो नीचे जाके, नहीं सुरीली आवाज़, कुछ बोल दो वहाँ से। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं और सबीका और मम्मा जो हैं हम लोग आज जा रहे हैं और इस तक रात के जो हैं 9:30 बज रहे हैं। और आज जो है लाइट गई हुई है शाम 7 बजे की और अभी तक लाइट नहीं आने का कोई चांस वांस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं जो हूँ सीढ़ियों से टॉर्च करते हुए जल्दी जल्दी से बिल्ली से बचती बचाते म्याओं से बचते बचाते यहाँ निकल के नीचे आके खड़ी हूँ और मम्मा और सबिका का वेट कर रही हूँ। ये लोग ज़रा आराम आराम से उतर रही हैं सीढ़ियों से। जब तक यहाँ पे मुझे ज़रा बच्चा पार्टी नज़र आई है। चलें ज़रा देखते हैं ये क्या यहाँ पे शरारत कर रही है और इनकी शरारतें मैं इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाती हूँ। अपनी शक्ल दिखा दो, चलो अब अपनी शक्ल दिखा दो। हाँ अब चलो उड़ाओ। कौन उड़ाएगा? तुम उड़ाओगे? चलो उड़ाओ, शाबाश। चलो ये हो गया। आ गया, चलो दिखाओ ये है क्या, दिखाओ जरा। अच्छा दिखाओ तो है क्या दिखाओ। मैं भी लाऊंगा। चलो सही है, ओके। चलिए जी, अपार्टमेंट से बच्चों की ये खिलौने शिलौने देखने के बाद अल्लाह जाने क्या चीज़ें क्या उड़ा रहे थे ये लोग और क्या था। यानी आप लोगों को समझ है, आपके घर में बच्चे हो तो बताइए मुझे, क्योंकि हमारे घर तो बच्चे कोई हैं नहीं। तो फिर हो तो बताइएगा, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छा लगता है। तो उनके साथ खेलने में, मस्ती करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ। और इत्तेफाक से बच्चे मुझे जानते भी हैं, यही सब कि मैं इनके साथ मस्ती करती रहती हूँ इसलिए जानते हैं। उसके बाद हम फ्लैट से निकले तो यहाँ लेट नाइट चिकन की शॉप जो है गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक 18 परफ्यूम चौक पर खुली रहती है। तो हमने जो है चिकन लिया क्योंकि मुझे जो है आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करनी पड़ती हैं। तो जैसे चिकन के पीसेस करवाने थे वो मैंने करवाए, बोनलेस लिया, बिरयानी के पीस लिए, सब लिया। उसके बाद ही यहाँ पे मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखानी थी, वो ये कि परफ्यूम चौक ब्लॉक 18 में मिज़ान बैंक की जो गली है उसके अंदर जैसे ही आप इंटर होंगे फ़ौरन एक बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे स्टॉल है और एक इंस्टॉल लगाया हुआ एक अंकल ने। और इस इंस्टॉल में इन्होंने बहुत तरह तरह के टॉयज़ रखे हुए हैं जो कि एक नॉर्मल शॉप पे ये टॉयज़ हमें मिलते हैं, जैसे कि बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए जो कि हम डॉल्स, गन्स और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ऑलमोस्ट इन्होंने सारे कलेक्शंस रखे हुए थे। और डेफिनेटली जैसा कि ये स्टॉल है तो इनकी प्राइस भी शॉप से जो है वो थोड़ी कमी है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको इसीलिए यहाँ पर दिखाई है ताकि अगर जो यहाँ पे ब्लॉक 18 वाले कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं और फ्लैट्स में रहते हैं और उन्हें अर्जेंट कुछ चाहिए या उन्हें, तो ये थोड़ी रात तक 9-10 बजे तक इनकी शॉप खुली रहती है, इनका स्टॉक। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस भी आपसे बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस होगा। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पर ये हॉर्स है, ऊँट है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें। मतलब यानी छोटे से बच्चे को ये सब देना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। हर चीज़ इनके स्टॉल पे मौजूद है। मैं आपको और भी आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें हेयर बैंड्स रखे हुए हैं, क्लिप्स हैं, कंघियाँ हैं, बल्कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा अंकल का स्टॉल था कि मैं हर चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं कर पा रही थी, बल्कि सब कुछ, यहाँ तक कि अबाया का ब्रूज और पिने भी हैं जो कि हम कवर करते हैं। सबिका ने यहाँ पे एक कैचर ख़रीदा, सबिका ने यहाँ पे 100 रुपीज़ वाला कैचर ख़रीदा। इनके पास कैचर जो हैं वो 50 रुपीज़ के भी थे। उसके बाद ही हम लोग आ गए, निकल गए अपनी गली से और यहाँ पे हमें लेना था, मम्मा को लेना था ताला। तो हम लोग एक स्टॉल एक और लगा हुआ है तो वहाँ पर आ गए। इनके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें, ये भी खड़ा रहता है लेकिन इनका ये कि कभी कहीं ये रहते हैं। तो वहाँ से जो है हमने ताले शाले जो हैं जो भी लेने थे मम्मा ने वो ख़रीद लिया है। तो ये बिल्कुल मेन रोड पे मिज़ान बैंक के बिल्कुल सामने लग के इनका ठेला रहता है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आई इनकी टोपियाँ, जो बड़ी खूबसूरत सी टोपियाँ थी, सिंधियों की टोपियाँ जो है। मेरा दिल भी चाह रहा था एक टोपी ज़रा बोलूँ तो निकाल के दो ताकि मैं तस्वीर अपनी थोड़ी बनवाऊँ, लेकिन मुझे सबिका का मूड देख के ना उस बेचारी पर थोड़ा तरस शरस आ गया कि बस उसने ना यहीं पे फना हो जाना है अगर मैंने ये काम कर लिया। वैसे कसम से मुझे ये टोपी जो है ना बहुत पसंद आई, ब्लू वाली, और मेरा बिल्कुल दिल था कि मैं अबाया पे पहन के एक पिक्चर तो बनती है यारा। तो चले जी ये देखें। ये ताला जो है ये मेरी मम्मा ने ले लिया है, तो ये ताला गौर से देख लें क्योंकि इसकी चाबी जिसके पास होगी वही हमारे घर में जो है वो दाखिल हो सकता है। उसके बाद जो है हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो फिर हम लोग फ्रूट के स्टॉल पे आ गए। यहाँ पे मुझे आपको दिखाना था कि देखें कराची में इस तरीके से रिक्शे पे इन्होंने फ्रूट का जो है अपना ठेला जो है उसको फ़िक्स किया हुआ है, और जब भी होता है ये रिक्शा चलाते हैं और इसी तरीके से ये फ्रूट का ठेला साथ इनके रिक्शे पर जाता है। रिक्शे का जो ऊपर का हिस्सा है उसको निकाल के पता नहीं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रिक्शे पे ये सेट किया हुआ है। आई डोंट नो आपकी सिटी में भी ऐसा है कि नहीं है, तो बड़े अच्छे अच्छे से मज़े मज़े के फ्रूट्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए गुलिस्तान-ए-जौहर परफ्यूम चौक की फूड स्ट्रीट, ये रही खालिद बेकरी जो कि अच्छी खासी है, बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इन्होंने ओपन किया हुआ है। लेट नाइट रहता है इस वक्त यहाँ पर जो है, तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितने सारे लाइन से होटल्स ओपन हैं, हर तरफ खाना बन रहा है। यहाँ पर चपातियाँ बन रही है, तकरीबन इस लाइन में नहीं कुछ तो 3 से 4 जो है जगह तो चपातियाँ बनी रही होती हैं। ये देखें ये यहाँ पे मिस हैंड शुरू हो गया है, तो नहीं कुछ तो मिस हैंड जो है यहाँ पे 14 से 15 साल पुराना ये रेस्टोरेंट है। मिस हैंड फास्ट फूड ये हो गए, आ गए जनाब हमारे पेशावरी वाले, पेशावरी एवन चपली कबाब जिनकी जगह जगह ब्रांचेस हैं। तो इसकी एक ब्रांच जो है गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक 18 परफ्यूम चौक पर भी है, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अपनी जगह बना ली है और माशाल्लाह से काफ़ी रश रहता है। एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है और काफ़ी 6-7 दुकानें लेकर इन्होंने एक अच्छा सा अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाया है, जिसमें इन्होंने पार्टीशंस किए हुए हैं। बहुत जल्द हम आपको इनका विज़िट करवाएंगे। इसके लिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और जो हम इस तरीके से रेस्टोरेंट्स का विज़िट कराएंगे वो भी आप देख सकें। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं सिर्फ रोड को कवर कर रही थी, स्ट्रीट की रौनक। ये देखें सर्दियाँ आ गई हैं, ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से सेल हो रहे हैं, बड़े अच्छे फ्रेश से ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखें सामने होटल है, उसके बाद सर्विस रोड है, और उसके बाद का जो फुटपाथ है उसमें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या रश लगा हुआ है। चौकियाँ लगी हुई हैं, टेबल कुर्सी लगे हुए हैं, और उस पर लोग जो है बैठ के खाने ऑर्डर दे रहे हैं और पक पक के खाने आ रहे हैं। फिर हम आ गए, अब अपने घर की तरफ जाने लगे, तो यहाँ पे एक ठेला लगा हुआ है जो कि देखें लेट नाइट हो गई है, ये भी ड्राई फ्रूट्स का ठेला लगा हुआ है। अभी सर्दियाँ है तो जगह जगह ये सब देखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अपार्टमेंट के अंदर आ गए और लाइट जो है फाइनली आ चुकी थी। अंधेरे में हम गए थे और रोशनी में दाखिल शाकिल हो चुके हैं। ये देखें इतना सामान जो है हम लोग यहाँ पर ख़रीद शरीद के कर आए हैं और खुशी खुशी जा रहे हैं क्योंकि घर जाने के साथ खाएंगे। तो जनाब घर आ गया। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट जो डोनट्स लेकर आई थी हॉपनॉप्स से मैं शेयर करूंगी, उसकी भी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है, बहुत जल्द उसका व्लॉग मैं अपलोड करूंगी। तो वो जो है लिया, साथ ही गोलगप्पे लाए हमने, और ये गोलगप्पे में जो पापड़ियाँ मैंने डलवाई, मेरी फेवरेट क्या ही बात है ये पापड़ी। तो ये तो बस मुझे मिल जाए बहुत मज़े की लगती है। अगर आपने अब तक ये नहीं ट्राई किए ना तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ईजिली चाट के ठेलों पे मिल जाती है, उनसे मांग लिया करें, दे दिया करते हैं। मेरे फेवरेट डोनेट्स क्या हैं, कितने के हैं, कैसे हैं और क्या क्वालिटी, सब मैं आपसे शेयर करूंगी अपकमिंग व्लॉग में। इसीलिए कह रही हूँ कि मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स जो है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।